देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए वार्तालाप टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हर खबर आपके फोन पर। भारत परिषद ने जातिवादी नेताओं का पुतला फूंक गांव सरकार को लागू करने की मांग करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। चुनाव करीब आते ही जहां हर राजनीतिक दल नफा नुकसान का आकलन कर जाति समीकरण साधने में जुट जाते हैं, तो वहीं आगामी 2022 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अभी जोड़ तोड़ शुरू हो गई है। हर राजनीतिक दल अभी से जाति समीकरण के आधार पर प्रत्याशी की तलाश में है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का गढ़ कहे जाने वाले आजमगढ़ में सुबह जातिवादी नेताओं का पुतला फूंका गया। जनपद के संगड़ी तहसील क्षेत्र के सुखमत नगर में सामाजिक संगठन भारत परिषद के प्रदेश महासचिव बैचू यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जातिवादी नेताओं का प्रतीकात्मक पुतला फूंक कर विरोध जताया और नारेबाजी भी की। इस दौरान बैचू यादव ने बताया कि चुनाव में वोट लेने के लिए नेता जाति धर्म के आधार पर झांसा देकर भोली भाली जनता से वोट लेकर सिर्फ अपना उल्लू सीधा करते हैं। गांव सरकार को लागू करवाने की पहल नहीं करते, इसीलिए इन जातिवादी नेताओं का हम गांव के लोग विरोध करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि समाजवादी नेता राजनीति में आए और सांसद विधायक बनकर निश्चित रूप से गांव सरकार की आवाज को सदन में उठाकर लागू करने का कार्य करें। आज आप लोग के द्वारा किस तरह का प्रदर्शन किया गया और किसका पुतला फूंका गया? देखिए, आज जो हम लोग पुतला फूंके हैं ये जातिवादी नेता का, हम लोग जातिवादी नेता का आज पुतला फूंके हैं और हम लोग ये मांग करते हैं कि सामाजिक नेता पैदा हो, जातिवादी नेता राजनीति से बाहर जावे, क्योंकि जात के नाम पर जितने लोग भी वोट लेकर के चुनाव जीतते हैं, जीतने के बाद कभी भी न गांव में दर्शन होता है न तो जनता की समस्याओं को सुनने के लिए वो लोग गांव में लोग आते हैं। हम लोग गांव वाले हैं, इसलिए हम लोग यह मांग करते हैं कि जातिवादी नेता राजनीति से बाहर हों, जो सामाजिक नेता हैं उनको चुनाव में हम लोग जितावें, उनको विधायक बनावें, MP बनावें और उनको हम लोग पार्लियामेंट और विधानसभा में पहुँचावें। हमारी जो मांगे हैं, मैं इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि यह गांव सरकार की मांग हम लोग कर रहे हैं कि गांव सरकार बने और आज़ादी के बाद से संविधान में लिखी हुई चीज़ है गांव की सरकार, लेकिन अब तक ये जातिवादी नेता इस चीज़ को न तो विधानसभा में कभी उठाए न कभी लोकसभा में उठाए कि यह गांव की सरकार बने। गांव की सरकार बनने में पंचायती राज एक्ट की जो धारा 15 है उसमें सरकार जो बाउंडेशन कर दिया है कि सरकार चाहेगी तभी जो है गांव की सरकार लागू होगी। हम लोग उस धारा 15 का विरोध करते हैं और धारा 15 का विरोध हम लोग बाहर से करते हैं। अंदर तो हमारा विधायक रहता है, अंदर जो संसद में हमारा MP रहता है और यह जातिवादी नेता बन करके यहाँ से जाते हैं, सब जात के नाम पर आराम से वोट पा जाते हैं। इसलिए हमारी गाँव सरकार की जो मांग है वो दबी की दबी आज तक रह गई है। हम लोग बस इसीलिए आज यह पुतला दहन किए हैं जातिवादी नेता का कि गांव सरकार का मुद्दा हमारे यह सामाजिक नेता लोग उठावें, सामाजिक नेता राजनीति में आवें, हम लोग उनका स्वागत करेंगे, उनको विधायक और MP बना करके पार्लियामेंट और विधानसभा में पहुंचावेंगे। क्या सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी के लिए था या सभी पार्टी? नहीं नहीं, हम तो किसी एक पार्टी के लिए, जो भी पार्टियाँ हैं जिसमें भी जातिवादी नेता हैं हम सबका विरोध करते हैं। ठीक है।